हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो पे डिवीजन मेथड देखेंगे। 125 मेथड यूज़ करके हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे डिविडेंड है 5 डिजिट और डिवाइजर है 2 डिजिट। तो ये हमें डिवाइजर के टेबल्स पता नहीं है। अब चलते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो पहला हम लिखेंगे सिंगल डबल हाफ डिवाइजर का। 27 का सिंगल तो बहुत आसानी है, सिर्फ हमें 0 ऐड करना होगा, 027। नेक्स्ट होगा हमारा डबल। सो डबल का मतलब हमें इस नंबर को अबेकस पे 1s कॉलम छोड़ के सेट करना है, और जो भी वैल्यूज हमें क्रॉस ओवर करने पर आते हैं ऊपर नीचे बिट्स को, उसको 5 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे है 2525/5 विच इज़ 5। नेक्स्ट 20/5 सो विच इज़ 4। तो डबल आया है हमें 54। नेक्स्ट हम करेंगे हाफ। हाफ के लिए हमें हाफ वैल्यूज लिखना है, 2 का हाफ 1 और 7 का हाफ 3.5। सो सिंपली अगर लास्ट डिजिट में हमें डेसिमल वैल्यू आता है तो उसको पॉइंट रिमूव करने से हमें 5 टाइम्स आ जाएगा, विच इज़ 135। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन कहाँ पे सेट करना है ये देखना होगा। 5 -2 -1 विच इज़ 2। तो दूसरे डिजिट से हमें क्वेश्चन सेट करना होगा। यहाँ के सभी प्रॉब्लम्स हमें सेकेंड डिजिट पे ही सेट करना होगा। नेक्स्ट हमें जो डिविडेंट है उसमें फर्स्ट 2 वैल्यूज लेंगे। तो ये डिविडेंट डिवाइजर से बड़ा है तो हम इसको 2 टाइम्स से डिवाइड कर सकते हैं। 5 टाइम्स तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें क्वेश्चन पे 2 सेट करना है और 76 - 27 करना है। तो 2 टाइम्स 5 रिमूव करना होगा और यहाँ से 4 रिमूव करना होगा। तो हमारा रिमाइंडर है 2 2 22 है। तो हमारा रिमाइंडर 22 है। हम 22 को डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम वैल्यू लेंगे डिविडेंड से। तो नेक्स्ट डिविडेंड होगा 228। तो ये हमें जाएगा 5 टाइम्स। सो 135 रिमूव करना होगा हमें 228 से। तो हमें करना होगा 135, तो 2 - 1। तो यहाँ पे हमें, हम यहाँ पे नहीं काट सकते तो बोरो करके करना है हमें। नेक्स्ट हमें करना होगा 8 - 5 तो 3। तो हमारा रिमाइंडर है इस बार 93। तो 93 को हमें फिर से डिवाइड कर सकते हैं। तो हम 2 टाइम्स से डिवाइड कर सकते हैं। तो वैल्यू है 54। तो अब हमें करना होगा 93 - 54। तो ऑलरेडी हम 5 सेट करते हैं, तो फिर उसी रॉड पे हमें 2 सेट करना होगा। तो वो होगा जब 7। सो 93 - 54 वैल्यू होगा 39। फिर भी हम 39 को भी डिवाइड कर सकते हैं। 39 को हम डिवाइड करेंगे 1 टाइम। तो क्वेश्चन हो गया है 5 + 3 = 8। हमारा जो रिमाइंडर है वो है 12। 12 को हम आगे अभी डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो अब मैं ले रही हूँ वैल्यू डिविडेंड्स के पास, तो 9 है, तो 9 ले रही हूँ। तब हम वैल्यू डिविडेंड से लेते हो, क्वेश्चन का कॉलम चेंज करना चाहिए। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन अगले रॉड पे आएगा, तो 129 - 54 करना होगा। 2 टाइम्स जाएगा, तो 129 - 54 होगा 75। या अभी हम इसको और डिवाइड कर सकते हो 27 यूज़ करके 2 टाइम। ऑलरेडी यहाँ पे 2 है,
इस जगह पे फिर मुझे और दो ऐड करना होगा, फोर, तो मेरा क्वोशेंट होगा फोर एंड रिमाइंडर होगा, तो नेक्स्ट रिमाइंडर है 2121। तो अभी 21 को मैं अभी डिवाइड नहीं कर पाऊँगी, तो इसीलिए मैं ले रही हूँ वैल्यू क्वोशेंट से 6216। तो मुझे जाएगा फाइव टाइम्स मतलब 135 को मुझे रिमूव करना होगा 216 से। अगर हम रिमूव करते हैं तो हमारा रिमाइंडर आएगा 8181। तो 81 को फिर से हम डिवाइड कर सकते हैं 27 टू टाइम्स, तो हम रिमूव करें 81 माइनस 54, बट हमें क्वेश्चन वही रॉड पे सेट करना होगा क्योंकि हम डिविडेंड से कुछ वैल्यूज नहीं लिए थे। तो नेक्स्ट रिमाइंडर आएगा 27, सो 27 को कितने बार, एक मरतबा फिर से हम डिवाइड कर सकते हो। सो इस एक को भी वही रॉड पे मुझे रखना होगा क्योंकि हम कुछ डिविडेंड से वैल्यू लिए ही नहीं है। तो कितने बार जाएगा, वन टाइम, 27 माइनस 27 इज ज़ीरो। तो हमारा क्वोशेंट है 8848। ये है पहली प्रॉब्लम। अब देखते हैं हम दूसरी प्रॉब्लम 83416/41। तो पहला हम 41 का सिंगल डबल हाफ फाइंड आउट करेंगे। तो सिंगल हुआ 041, नेक्स्ट डबल होगा, वैकस पे सेट करके करिए, अगर करते हो आप 82 आएगा। अब चेक करिए, हाफ होगा 2 0.5। तो हम करेंगे 83476, तो 83 मतलब 2 टाइम्स, तो क्वेश्चन पे हमें 2 सेट करना होगा और 82 को 83 से सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हमारा रिमाइंडर हुआ 1। तो 1 को तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम 4 ले रही हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे वैल्यू डिविडेंड से ली थी, तो इसलिए मुझे नेक्स्ट रॉड पे सेट करना होगा, इस रॉड पे नहीं। लेकिन 4 से भी मेरा काम नहीं चलेगा, तो मुझे और एक वैल्यू चाहिए डिविडेंड के साथ। तो कब आएगा, दो वैल्यूज डिविडेंड के साथ एक में नहीं आ सकते, तभी ले सकते हम क्वेश्चन में, तब 0 रखेंगे। तो इस रॉड पे 0 इसीलिए आएगा क्योंकि मैं साथ में साथ दो वैल्यूज डिविडेंड से लिया था। तो अब मेरा डिविडेंड बना है 147, तो यहाँ पे 0 सेट करना होगा 147। 5 टाइम्स तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 टाइम्स मुझे 82 निकालना होगा इसमें से। सो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 2, एट कैसे निकालेंगे, पापा डाउन, मम्मा डाउन, बेबीज डाउन, तो रोड बिजी है, तो इसीलिए मैंने ऊपर रख दिया था, मैंने रिमूव कर दिया 82। तो नेक्स्ट मेरा नंबर है 61, तो 61 को मैं फिर से डिवाइड कर सकती हूँ बिना वैल्यू लिए। तो मैं डिवाइड कर रही हूँ 1 टाइम 40
वन रिमूव करना चाहिए 61 से, तो नेक्स्ट वैल्यू है 246 24, तो उसको मैं तो डिवाइड नहीं कर सकती, तो इसलिए मैंने डिविडेंड से वैल्यू ली है 6, सो 246, तो इसको 5 टाइम्स मैंने डिवाइड करना है, वही यहाँ पे रखना है, लेकिन 5 बिजी है, तो मैं पहला सब्ट्रैक्ट करूँगी फिर वैल्यू सेट करूँगी 205, तो अब मैं यहाँ पे वैल्यू सेट करी थी 5, तो नेक्स्ट रिमाइंडर है 4141, तो 1 टाइम जाएगा, मैं डिविडेंड से वैल्यू नहीं ली थी, तो वही कॉलम पे मुझे सेट करना होगा, तो रिमूव कर रही हूँ 41, तो हमारा क्वेश्चन है 2036। होप आपको प्रॉब्लम समझ में आई होगी, आप अगले प्रॉब्लम होमवर्क कीजिए। तो बस आज का क्लास इतना ही है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू, बाय बाय।